पॉइंट ऑफ व्यू से देशभक्ति क्या है मैं उस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, तो प्लीज लिसन टू मी। व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का, अपने पेरेंट्स और टीचर्स का रिस्पेक्ट करना देशभक्ति है। स्टूडेंट्स हैव टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स इज रियली पैट्रियोटिज्म। किसी भी काम को ईमानदारी से करना देशभक्ति है। एवरीथिंग डन विद ऑनेस्टी इज पैट्रियोटिज्म। गरीब व जरूरतमंदों की मदद करना देशभक्ति है। टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी इज पैट्रियोटिज्म। सब्जी वाले को सब्जी का दाम सही रखना और उसे सही ढंग से बेचना पैट्रियोटिज्म है। फॉर द वेजिटेबल वेंडर टू सेल द वेजिटेबल ऑन करेक्ट प्राइस इज पैट्रियोटिज्म। इसी प्रकार से डॉक्टर्स अपने पेशेंट का सही से इलाज करें, यही देशभक्ति है। डॉक्टर्स शुड ट्रीट देयर पेशेंट वेल एंड विद ऑनेस्टी इज पैट्रियोटिज्म। सारे वकील अपने क्लाइंट के साथ अच्छा व्यवहार करें, गलत तरीके से पैसा ना ऐंठें, यही देशभक्ति है। ऑल द एडवोकेट्स बिहेव विद देयर क्लाइंट्स वेल, इट इज पैट्रियोटिज्म। कुल मिलाकर अगर हम समझें, हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को पूर्ण रूप से ईमानदारी से करना देशभक्ति है। एवरीबडी मस्ट डू देयर वर्क सिंसियरली एंड विद डिवोशन एंड डेडिकेशन इज पैट्रियोटिज्म। अगर सोसाइटी में कोई स्कूल समाज सेवा को करते हुए पूरे समर्पण भाव से शिक्षा देने का काम कर रहा हो और उसमें पेरेंट्स का सहयोग देना ही देशभक्ति है। इफ आई इज वर्किंग विद डेडिकेशन एंड विद डिवोशन, पेरेंट्स शुड सपोर्ट द स्कूल फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्कूल, दिस इज रियली पैट्रियोटिज्म। इसी प्रकार से अगर सारे पॉलिटिशियंस, सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, यही देशभक्ति है। और देशभक्ति के लिए हमें कहीं ज़रूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर ही फाइट करें, बॉर्डर पर ही जाएं, वही देशभक्ति है। एवरीबडी कैन डू देयर ड्यूटी एट योर होम। घर पर रह करके भी हम अपनी देशभक्ति को, अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। हमारी माताएं बहनें बच्चों को घर पर बैग पैक करने में मदद करती हैं, कई तरीके से मदद करती हैं। वी कैन से दैट एवरीथिंग इज आवर पैट्रियोटिज्म। हम जो भी वर्क करते हैं ईमानदारी से अगर उस वर्क को किया जाए, एवरीथिंग इज पैट्रियोटिज्म। एंड वी कैन मेक आवर कंट्री डेवलप बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। नाउ इंडिया नीड सम वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर मेकिंग आवर कंट्री डेवलप। सो हाउ कैन वी मेक आवर कंट्री डेवलप? बाय showing devotion and dedication we can make our country great and developed. So thank you so much everyone.